हाय गाइस, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेकअप फॉर समर। मैंने कलरफुल आईज की है, टू टोन में। यस, माय आई मेकअप इज लुकिंग वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर समर। मुझे लगता है ये मेकअप लुक आप बहुत आसानी से सीख जाओगे और आप जरूर ट्राई करिएगा इस मेकअप लुक को, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी। इस वीडियो में फन क्या है, इस वीडियो में फन ये है कि मैंने इस बारी ना बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं फ्रॉम मेबलिन एंड लैक्मे के। मैंने पूरे आई रेंज जो है, काजल, मस्कारा, आई लाइनर, वो भी ट्राई किया है। न्यू प्रोडक्ट है आईब्राउज के लिए, मैंने प्राइमर में न्यू मेबलिन का ट्राई किया है और ब्लू हेवन का ट्राई किया है। आई मेकअप मैंने लैक्मे का आई शेडो पैलेट, जो न्यू प्रोडक्ट है, उसे यूज किया है, और लैक्मे का शिमर ब्रिक यूज किया है, और फाउंडेशन के लिए मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन यूज किया। तो इस वीडियो में सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने परचेस किए थे। तो आई जस्ट थॉट मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है सारे प्रोडक्ट को लेके, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। एंड वन मोर थिंग, सारे के सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, सो चेक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे स्प्रे किया है दिस प्लम का मिस्ट। ये ग्रीन टी वाला मिस्ट है। ये ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट होता है, सो हाइड्रेशन के लिए मैंने इसे अपने स्किन पे स्प्रे किया है। तो आज मैं कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ, आज मैं क्विकली अपना बेस करूंगी। और एंड मैंने एक्चुअली परचेस किया है दो न्यू प्राइमर। दिस इज मेबलिन का मैट एंड पोरलेस वाला प्राइमर, इसमें डूई भी आता है। सेकेंड इज दिस ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर। तो ये एक न्यू लॉन्च था ब्लू हेवन का, एंड बट मेरे पास आज दो प्राइमर है, सो आई विल डू कि मैं आधे फेस में इसे यूज करती हूँ और आधे फेस में इसे यूज करती हूँ, एंड देखते हैं दोनों कैसे हैं। मैं आपको अपना रिएक्शन भी बताऊंगी, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ। सो या, द पैकेजिंग इज लाइक अ ट्यूब एंड प्रोडक्ट जो है वो कुछ व्हाइट कलर का है। ओके, सो इट्स अ क्रीम बेस। ओके, तो मेबलिन को मैं इस साइड लगाती हूँ। इट्स अ क्रीम बेस काइंड ऑफ प्राइमर, तो अगर आपने अपना मॉइस्चराइजर स्किप भी किया ना तो भी चल जाएगा, क्विकली स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसमें आपको डूई भी मिलेगा, डूई वाला भी मिलेगा, जैसे ये मैट है इसमें आपको डूई भी मिलेगा, तो अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है आप वो भी ले सकते हो। एंड या, आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस। नाउ लेट्स सी कि मेरे पोर्स अभी भी विजिबल है या नहीं। सो मेरे पोर्स जो है वो फिल इन नहीं हुए हैं, बट मेरे पोर्स जो है वो ऑब्वियसली ब्लर हो गए। टेक्स्चर जो है मेरे स्किन का वो थोड़ा कम विजिबल हो रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। एंड या, नॉट वेरी बैड बैड, मैं ये कहूँगी। एंड ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, इट्स नॉट अ रिव्यू। नेक्स्ट जो है वो ये है ब्लू हेवन का प्राइमर, सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। एंड दिस इज अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इससे कि ये मेरे पोर्स को तो ब्लर करेगा ही करेगा। ओके, मैंने शायद ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया है। You guys can see, यहाँ पे थोड़ी शाइन भी है, बट दिस साइड एकदम मैट हो गया है। सिलिकॉन बेस जो होता है वो आपके पोर्स को फिल कर देता है और आपके जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल लेस विजिबल होते हैं, और आपका जो भी मेकअप का स्टेप्स होता है ना वो अच्छे से ग्लाइड करता है। ब्लू हेवन का जो इसके पहले वाला भी प्राइमर था वो भी बहुत अच्छा था। यू गाइज कैन सी, दिस साइड इज टोटली मैट। दिस साइड में हल्का सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। So yeah, two different type of primer. Okay, now quickly to the foundation. मैंने foundation के लिए purchase किया है ये ball. This is a Lakme Absolute Skin Natural Mousse Material. It means ये जो है ना ये mousse kind of foundation है। ये मुझे बहुत time से लेने का मन था, और इसकी packaging जब मैंने open की ना तो कुछ इस तरीके की दिखी मुझे। बहुत ही ज़्यादा moussey kind of texture है, बहुत ही moussey. एंड इफ़ यू कैन सी, ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे हिल भी रहा है, तो मैं इसे, इट्स लाइक ओ गॉड, इट्स लाइक एयर, ऐसा लग रहा है इसमें पूरा हवा है, इट्स सो लाइट। अब इसमें मेरा शेड है 03, तो मैं यहाँ पे स्वॉच करके दिखा देती हूँ। तो दिस इज इन द शेड गोल्डन मीडियम 03। लेट्स स्प्रेड दिस। जैसे लैक्मे का एब्सोल्यूट का प्राइमर है ना, बिल्कुल पिंक कलर में, जैसे ये उसी तरीके का है, और ये फिंगर से कितने इजीली ब्लेंड हो रहा है। द बेस्ट थिंग इज दिस,
बट आई मस्ट से ये बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट फाउंडेशन है अभी तक जो भी मैंने फाउंडेशन ट्राई किए हैं, ये सबसे लाइटेस्ट है। फील ही नहीं हो रहा है मैंने कि कुछ भी अप्लाई किया है, मतलब कुछ भी अप्लाई किया ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश है। ओके, नाउ मेरे पास एक सेकेंड फाउंडेशन के लिए भी ऑप्शन था, वो है ये फिट मी का पाउडर फाउंडेशन, एंड इसमें मेरा शेड है 230। इसमें आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिलता है और यहाँ पे जो आपको नेट दिख रहा है ये बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेटर है, मतलब फाउंडेशन जिसको आप इसको वेट कर लिए और इसके ऊपर लगा के अप्लाई करो। बट अगर आप नहीं चाहते हो इसे वेट करना तो आप डायरेक्टली इसे एज अ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, टू वे में यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे वेट किया और अब ओके, नाउ मैं अपना मार्क्स लेती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ तो मैंने ये लैक्मे एब्सोल्यूट का शिमर ब्रिक ऑर्डर किया था, जो कि अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें कोई ब्रिक आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एक्चुअली पूरा टूटा हुआ मुझे रिसीव हुआ था, लाइक फुल्ली ब्रोकन। अगर मेरे पास पिक होगी तो मैं इंसर्ट कर दूँगी। फुल्ली ब्रोकन था बट मेरे हस्बैंड ने इसे किसी तरीके से प्रेस करके इसे वापस से न्यू किया है वापस से उन्होंने। और डोंट वरी, मैंने रिफ़ंड के लिए बोल दिया था कि मुझे मेरा प्रोडक्ट रिफ़ंड करना है, तो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ कोविड रिफ़ंड हम कर देंगे, रिटर्न करके एक्सचेंज नहीं करेंगे, सो प्रोडक्ट आप रखिए हम पैसा आपको दे देंगे। तो इमीडिएटली लाइक 2 आवर्स के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल गया था। ये इतना ज़्यादा भी पिगमेंटेड हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये ऐसा कुछ बन गया है कि मैं इसे अपने चीक्स पे अप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ गाइस। अगर मैंने अप्लाई किया तो पता नहीं मैं बंदरिया ही लगूंगी पूरी। सो आई एम स्किपिंग दिस, और अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूँगी। और मैंने न्यू प्रोडक्ट लिया है विच इज़ दिस मेबलिन का फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल इन द शेड डार्क ब्राउन। ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेबलिन का। मेबलिन एक ड्रग स्टोर ब्रांड है, और जब एक ड्रग स्टोर ब्रांड के प्रोडक्ट आपको अंडर 200 रुपीज मिलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वी विल डू आई मेकअप, एंड उसके लिए मैंने न्यू पैलेट लिया है। दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट इन द शेड सन डाउनर। यहाँ पे आपको मिरर मिलता है वो छोटू सा, जिसमें सिर्फ आपको आपकी आईज दिखेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे ये जो बेरी शेड है आई एम गोइंग टू टेक दिस बेरी शेड। इट्स वेरी पिगमेंटेड, लुक एट द पिगमेंटेशन गाइज। मुझे लगा इतना पिगमेंटेड नहीं होगा, फॉल आउट ही हो गया। ओके, सो मैंने एक येलो कलर शेड लिया इस पैलेट में से, एंड टैप ऑफ एक्सेस करके अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है और स्लोली उसे पिंक के साथ ब्लेंड किया है। अभी मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, और जहाँ जहाँ मैंने बेरी शेड अप्लाई किया ना, जस्ट उसके एजेस पे अप्लाई करूँगी, ऐसा लगाने के लिए कि मेरे जो आईज है वो बहुत अच्छी सी ब्लेंड हुई है। ओके, सो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई काजल, और मेरे पास है लैक्मे आइकॉनिक काजल, लैक्मे आइकॉनिक आईलाइनर एंड लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा। ओके, सो मैंने मस्कारा के लिए एक ये मेबलिन भी परचेज कर लिया था, बिकॉज ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा था, तो आई जस्ट लाइक मुझे ट्राई करना है। सो या पहले हम काजल अप्लाई करेंगे, जो कि है ये लैक्मे का एब्सोल्यूट, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस काजल फर्स्ट टाइम। ओके, सो ये काजल बहुत ही ईजिली ग्लाइड हुआ है मेरे आईज पे, और बिल्कुल ब्लैक है। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ट्राई किया है, आई एम लाइकिंग इट नाउ। ओके, नाउ द आईलाइनर, एंड फॉर द आईलाइनर आई हैव लैक्मे आइकॉनिक एप्लीकेटर, इज लाइक दिस लॉन्ग मीडियम टाइप ऑफ एप्लीकेटर। ओके, नाउ सो अभी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा, एंड फॉर द मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज़ फर्स्ट लैक्मे आइकॉनिक।
सो ये कर्लिंग मस्कारा, इसका जो एप्लीकेटर है वो कुछ इस तरीके का है, तो ये आपके लैशेस को अच्छे से कर्ल करेगा। ओके, सो दिस इज लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा ऑन दिस साइड। नाउ ऑन द अदर साइड आई एम गोइंग टू अप्लाई मेबलिन लैश लिफ्ट वाटर प्रूफ मस्कारा। सो इसका भी एप्लीकेटर हम देख लेते हैं कैसा है। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट, मुझे लगता है ये वॉल्यूम देगा। ओके, लैश लिफ्ट अल्टीमेटली कर्लिंग ही मतलब हुआ ना। ओके, सो व्हाट आई कैन फील इसकी जो लैक्मे वाला है वो मेरे लैशेस को ऑब्वियसली कर्ल इफेक्ट दिया है, बट ये जो मस्कारा है इसने मेरे लैशेस को लेंथनिंग दिया है। सो या दिस इज समथिंग लाइक दिस। नाउ ब्लश, कॉन्टोर एंड हाईलाइट, देखते हैं क्या हो सकता है इससे। बहुत डर लग रहा है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लूंगी। ओह गॉड, इट्स सो डैम्प। मैं प्लाडियो का मैट ब्रॉन्जर लेकर आई हूँ और मैं इस ब्रश, ये रियल टेक्निक का ब्रश है, इससे मैं हल्का सा अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड, लेट मी टेल यू दिस। नाउ आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन का हाइलाइटर इन द शेड गोल्ड, मोल्टन गोल्ड। Now for the lipstick I have Maybelline का Sensational Liquid Matte in the shade Best Babe, I guess. Yes, I think इस लुक के साथ ये शेड जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब Forever Matte की Lakme ली थी तो मैंने ये यूज़ कर लिया था, ये नहीं किया था, तो मैंने कहा इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लास्टली मैंने ना दो ज्वेलरी ली थी, एक ज्वेल्स गैलेक्सी की है और एक ब्रैडो ज्वेलरी की है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। यस गाइज, दिस इज द वीडियो। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होना तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं सुनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।